हरियाणा के करनाल में भी भारत बंद को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन की ओर से 8 दिसंबर यानी आज भारत बंद का समर्थन करते हुए करनाल के व्यस्त इलाकों में पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 काले कानूनों का जमकर विरोध किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान शामिल हुए। यह ट्रैक्टर रोष प्रदर्शन रामनगर प्रेमनगर रेलवे रोड से होता हुआ कमेटी चौक पहुंचा, जहां पर किसानों ने सड़क पर बैठकर अपना विरोध जताया। इसके अलावा किसान शहर के व्यस्त इलाकों में पहुंचकर दुकानदारों से नम्रतापूर्वक बंद में शामिल होने का आह्वान भी किया गया। यहां हम आपको बता दें कि पूरे देश में किसान आंदोलन के मद्देनजर भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका करनाल में मिला जुला असर देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े लोग दुकानदारों से दुकान बंद करवाते दिखाई दिए, वहीं कुछ देर बाद दुकानदार दुकान खोलते भी पाए गए। वहीं जिला पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध भी किए गए थे। हर चौक चौराहे पर पुलिस तैनात थी। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया एवं डीएसपी व अन्य अधिकारी भी इस दौरान बाजार में ही मौजूद रहे। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। साथ है प्रशासन द्वारा ने गारंटी दी गई है कि अपने रोजमर्रा की तरह ये दुकान खोल सकते हैं, लेकिन ये किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ है, इसलिए ऐसी कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसलिए अपनी मर्जी से दुकानें बंद करके बैठे हैं। लेकिन साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि किसानों के साथ वे खड़े हैं, लेकिन किसानों के इस प्रदर्शन की आड़ में कोई अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेके, जिससे कि वो जो अपनी ज़मीन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं जो उन्हें नहीं मिलनी। हम चलेंगे अब आगे की ओर। अभी अभी मोदी सरकार को 3 काले कानून वापस कराया, नहीं तो बहुत मरा हाल होगा किसानों का। इन्हों तिना कानूनों वापस लाए मोदी सरकार, कट्टर सरकार रल के इन्हों तिना कानूनों वापस किया जाए, नहीं तो संघर्ष साडा जारी रहेगा, साल बाद जारी रहेगा, 2 साल जारी रहेगा। हाँ जी खड़ो अज असी स्ट्राइक की है 11 बजे तक रह गए, 3 बजे तक किसान स्ट्राइक देने, कोई गड्डी नहीं चलन देंगे, कोई दुकान नहीं चलेगी, कोई सब चीज व्हीकल व्हूकल सब बंद कर देंगे। असी रघुवीर सिंह थोकड़ा किसान यूनियन प्रधान थोकड़ा जिंदाबाद। देखिए ये इनका साफ तौर पर कहना है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कि जब ये देखिए पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि किस तरह से अब सड़कों पर किसान बैठ गए। इनका ये कहना है कि जब तक कानून नहीं वापस लिया जाएगा सरकार से, ये नहीं मानने को तैयार, चाहे संघर्ष जितना मर्जी लंबा हो, संघर्ष जितना आज हमने जितना बंद हमने कहा था वो पूरा सहयोग मिला है, और व्यापारियों का धन्यवाद, किसान हर जनता का धन्यवाद जिन्होंने इस बंद को सफल बनाने में हमारी मदद करी है, और मजदूरों का खास करके धन्यवाद, मजदूरों का धन्यवाद। आप आज के आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना कुछ? देखिए ये आप देख रहे हैं कि सारे के सारे बाजार बंद है, और ये आंदोलन पूर्ण रूप से सफल है, और मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि ये आंदोलन अब किसान आंदोलन ना बनके अब ये जन आंदोलन है। अगर सरकार नहीं मानती उसके बाद की क्या रणनीति? सरकार को मानना ही पड़ेगा, सरकार के पास लोकतंत्र में रास्ता क्या है, जनता की आवाज माननी पड़ेगी, और मोदी जी को और खट्टर जी को यह कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा। आज पूरा बंद आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा बाजार बंद पड़ा है, पूरा टोटल बाजार बंद है। ये देखिए इनका ये कहना है कि इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से पूरे बाजार को बंद करवाया। हाँ, बिल्कुल कोई हमने बंद नहीं कराया, हम तो सिर्फ बाजार में निकल रहे हैं, बाजार बंद है, ऑटोमेटिक बंद है, हमने किसी के साथ किसी को कोई जबरदस्ती नहीं बोला है, बाजार बंद है, सब जगह किसानों के साथ है, हम सब का ये कहना है किसी तरह की कोई जबरदस्ती किसान के साथ नहीं की। नहीं नहीं कोई जबरदस्ती नहीं, हमने किसी दुकानदार के साथ कोई जबरदस्ती नहीं, गलत है, ये अफवाह है सारी। नहीं ये कॉल आपकी कितने बजे तक है? ये 3 बजे तक, 3 बजे तक। ये थे हमारे साथ, ये थे हमारे साथ, हम भी एक दुकानदार है, दुकानदार भी हूँ और जमींदार के बेटे भी है, हमारा हक बनता है कि हम भी दुकानें खुद अपने आप ही बंद रखें, कोई एक दिन में दुकानें बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों हम दुकानदार भी हैं और जमींदार, सबसे पहले जमींदार हैं हम। आप देख सकते हैं मेरे सामने सामने किस तरह से अब ये किसान लोग जो भी इस आंदोलन में थे शामिल, वह किस तरह से अब सड़कों पर बैठ गए हैं, सड़कों पर खड़े हो गए हैं। इनका ये कहना है कि इनका संघर्ष जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं, किसानों की मांगे नहीं मानती। किसान अन्नदाता है, वो सर्दी में सड़कों पर बैठा है,
अगर ऐसा है, अगर इनको सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो मोदी सरकार हो या खट्टर सरकार हो, उन्हें अपनी कुर्सी छोड़कर भागने जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये किसानों का नहीं जन जन का आंदोलन बन चुका है। करनाल के करण गेट में स्थित गुड़ मंडी के अंदर यहाँ पर हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। सर, सबसे पहले आप। सर, आज संकेतित जो किसानों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर संकेतित हड़ताल के लिए आह्वान किया गया है, दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके बाहर खड़े हैं। अभी कोई माहौल में ऐसी बात ना हो, लेकिन जो अधिकारी हैं और प्रशासन हैं, अगर वो कहते हैं कि अपनी आप दुकान खोल सकते हो अगर आपका मन है तो, लेकिन बाजार में लोग यही हैं कि आपस में माहौल ना ख़राब हो, इसी वजह से शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी किसान अपनी बात रख रहे हैं। दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर खड़े होकर वो किसी के मतलब कि ना अच्छे में है ना बुरे में है, लेकिन सिर्फ माहौल बनाने के लिए अपनी दुकानों के बाहर खड़े हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के बंद के बारे में? देखिए, एक आम व्यक्ति होने के नाते किसान के साथ प्रत्येक व्यक्ति का समर्थन रहा है और रहेगा भी। किसान इस देश में एक ऐसा विषय है कि जिसके साथ भावनात्मक रूप से सब लोग जुड़ते हैं, परंतु इसी की आड़ में यदि कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करना चाहेगा या देश को बांटने का काम करना चाहेगा तो दुकानदार साथ ही साथ उसके खिलाफ भी है, लेकिन किसानों के समक्ष सभी दुकानदार समर्थन में यहाँ पे उनका। आज के बंद का क्या असर आपको नजर आ रहा है? देखिए, आज तक अभी तक के बंद का व्यापक असर है। कुछ लोग आए थे और उन्होंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, तो उनके रिक्वेस्ट पे दुकानदार भी समर्थन कर रहे हैं, परंतु कुछ राजनीतिक पार्टियां इसमें जो है अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने का काम कर रही हैं, जो कि लगभग खो चुकी है। उनके साथ विरोध रहेगा हमारा, लेकिन किसान के हम साथ में खड़े हैं। सभी आप मेरे साथ देख सकते हैं किस तरह से अब ये आंदोलन जो है विशाल रूप ले चुका है। भूपेंद्र सिंह लाडी, भूपेंद्र किसान नेता भूपेंद्र सिंह लाडी साहब, आपका क्या कहना है किसानों के आंदोलन के बारे में? सरकार क्या तानाशाही रवैया अपना रही है? जेड़ा साडा बादशाह मोदी, ओनू जनता ने बनाया, बड़िया ज्यादा वोटा दे के बनाया, लेकिन वो हंकारी नेता हो गया। और सानू महसूस कराता है कि तुसी आजाद नहीं, तुसी गुलाम हो, और सानू गल गल ते महसूस कराता है। इस करके उन्हें काले कानून जेड़े पहला जनादेश नाल ते हुण उन्हें कानून बना दिता, उन्हें वापस लेने पैणगे, क्योंकि जो सानू चाहिए नहीं उहदा कानून, सानू बुलडोजर नहीं चाहिए, सानू ट्रैक्टर ट्राली चाहिए है, जिद नाल सानू कार चाहिए है। ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਸ਼ਨ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰ ਜੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਕੀ ਆਗਾਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਜਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੁੰਜਪੁਰਾ ਰੋਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਹੋਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। देखिए, ये थे हमारे साथ एक और किसान नेता भूपेंद्र सिंह लाडी, जिन्होंने कहा कि जो इनका बादशाह है मोदी, वो तानना चाहिए, इनको वो सुविधाएं नहीं चाहिए जो सरकार इनको देना चाहती है। इनके पास जो सुविधाएं हैं उसी में अपना काम चलाने को तैयार है। बंद के बारे में इन्होंने कहा कि व्यक्त है दिल से करनाल के सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस बंद को सफल बनाने में उनका समर्थन दिया। आप इसके अलावा उन्होंने यह भी जानकारी दी कि यह आंदोलन अगर इसके आज के बंद के बाद भी सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती और सरकार अपने कानूनों को वापस नहीं लेती तो यह आंदोलन उग्र रूप धारण कर सकता है। अगर कुछ भी अप्रिय होता है तो इसकी सारी की सारी घटना प्रशासन की होगी। दोस्तों, एक बार फिर मैं तरुण मदान आपके सामने हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय मौजूद हूँ सब्जी मंडी चौक पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी बड़ी मात्रा में, दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टरों पर सवार होकर इस बंद को सफल बनाने के लिए किसान और धरती पुत्र, जिनको हम अन्नदाता भी कहते हैं, वो सड़कों पर हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में किसान जो हैं ट्रैक्टरों पर सवार होकर इस बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास भी करूँगा।
हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आप फिर मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा कितना बड़ा जन सैलाब है ट्रैक्टरों के माध्यम से। इसमें अब बात करेंगे हम इनेलो नेता से। सर संधू साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। जी आपका धन्यवाद, आप जो आज कवरेज दिखा रहे हो किसान आंदोलन की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सर आप इस बंद को कितना को सफल मानते हैं और किसानों की जो मांगे हैं कितनी को जायज हैं और सरकार को अब क्या डिसीजन लेना चाहिए कि किसानों को बैठे 12 से 13 दिन हो गए, अब मजबूरन उनको पूरे भारत को बंद करवाना पड़ा, सड़कों पर आना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 3 काले कानून लेकर के देश के ऊपर थोपने का काम किया, किसानों के ऊपर थोपने का काम किया, उसके विरोध में आज भारत बंद पूर्ण रूप से बंद है। 100% ये सक्सेस हुआ है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों को मानते हुए, जन भावना को देखते हुए इन काले कानूनों को रद्द किया जाए और किसानों के जो दुख हैं, दर्द हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हो कितने दिनों से लोग पंजाब के अंदर धरने दे रहे हैं, हरियाणा के अंदर धरने दे रहे हैं और आज दिल्ली सीमा पर बैठे हुए हैं और कितने वहाँ पर रास्ते में जाते हुए हादसे हो चुके हैं, कितने किसान इसमें शहीद भी हो चुके हैं। मैं शहीद कहना चाहूँगा, दुर्घटना वंशन के दुर्घटना के शिकार हुए हैं लेकिन वो शहीद भी हुए क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जन भावना दिखाते हुए आज अपना सहयोग दे रहे हैं। आज इस प्रकार से आप देखोगे हजारों की संख्या में करनाल सिटी के अंदर ये ट्रैक्टर आज यहाँ पर आए हैं और जो सारी दुकानें हैं पूर्ण रूप से करनाल का बाजार बंद है, सीएम सिटी का बंद है। सर कल पाटा में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें जहाँ पर मुख्यमंत्री ने आना था वहाँ पर टेंटों को उखाड़ दिया गया, कुर्सियाँ तोड़ दी गई, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया वहाँ पर जहाँ पर उनका प्रोग्राम था, इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये एक भारतीय जनता पार्टी की सोची साची समझी साजिश भी होती है क्योंकि वो दंगा फसाद करवाना चाहती है। जब उनको पता था कि पूर्ण रूप से भारत बंद होगा तो मुख्यमंत्री को अपना वहाँ पर जाने का प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए था और जो वहाँ पर जो किया लोगों ने किया उसमें गुस्से में आकर के उन्होंने टेंट भी उखाड़े, जो भी किया मैं उसका समर्थन करता हूँ। जेजेपी के अब क्या कहना चाहेंगे? अब उनके कुछ विधायकों ने, जो मौजूदा सरकार है हरियाणा के अंदर उनके कुछ विधायकों ने अपना समर्थन भी ले लिया है, ऐसे में इसका भविष्य क्या रहेगा? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जेजेपी का जो भी एमएलए बने थे वो जेजेपी के नहीं बने थे, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने उनको समर्थन दिया था, उनको वोट देकर उनको विधानसभा भेजने का काम किया था। लेकिन आज जिस प्रकार से जन आक्रोश लोगों के बीच में है लेकिन वो इसको ना देखते हुए दुष्यंत चौटाला जी जो इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं उनको तुरंत प्रभाव से आकर के अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन वो किसानों की कोई देख रेख नहीं करते, ना किसानों की सोच रखते, उनको सिर्फ अपनी जेब भरने का काम है। और जनता पार्टी का अगर जेजेपी के एमएलए को और जो मंत्री हैं उनको अगर कोई थोड़ी सी भी शर्म है तो तुरंत प्रभाव से उनको इस्तीफा देना चाहिए, लोगों के बीच में आना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी शुरू से ही किसानों के साथ है, आज भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी के प्रधान महाशिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का आदेश है कि आप किसानों के साथ रह करके आवाज उठाने का काम करें, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के झंडे के नीचे नहीं, आज हम किसानों के झंडे के नीचे जा करके किसानों के साथ लग करके आज इनके सहयोग के स्वरूप आज इनके साथ हैं। देखिए ये थे हमारे साथ नीलों के अधिकारी संधू साहब जिन्होंने विस्तार से हमें जानकारी दी कि ये आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इनेलो कांग्रेस, इनेलो किसी पार्टी के रूप में नहीं बल्कि एक किसान के रूप में इस आंदोलन के साथ किसानों का समर्थन कर रही है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा मेरे पीछा, ये देखिए किस तरह से सैकड़ों किस तरह से वो आ रहे हैं ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान आ रहे हैं। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा, आप देख सकते हैं एक बार फिर से। आप बैनर पढ़ सकते हैं ट्रैक्टरों के आगे लिखे हैं नो फार्मर नो फूड, नो फार्मर्स नो फूड नो फ्यूचर, इसको आप भली भांति समझ भी सकते हैं। अगर किसान नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा, अगर अन्न नहीं होगा तो देश का भविष्य नहीं होगा। इसके अलावा और इन्होंने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी हैं जिस पर इन्होंने यह बोला है कि ये लोग किसान हैं, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, ये किसान हैं अपनी जायज मांगों के लिए। अब ये हैं सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने मजबूरन इनको सड़कों पर करने के लिए दिया। ये देखिए दूर दूर तक जहाँ तक भी नजर जा रही है दूर दूर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम सिटी में जो किसान हैं उनके मन में सरकार के प्रति कितना रोष है कि मजबूरन उन्हें इतना बड़ा काफिला हम कह सकते हैं जो दूर दूर तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, यह काफिला निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। हमने आपको सीएम सिटी का पूरा हाल दिखाया किस तरह से हर चौक चौराहे से किसानों के जत्थे पे जत्थे
आकर लोगों को शांति प्रिय तरीके से विनती कर रहे हैं कि वो अपनी दुकानें बंद रखें। 3 बजे तक की उनकी कॉल है, 3 बजे के बाद वह अपनी दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन 3 बजे तक वो हमारा समर्थन करें, क्योंकि अगर किसान नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा। किसानों को अन्नदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह दिन ना रात देखते हुए अपने खेतों में रहता है और लोगों के लिए अन्न पैदा करता है, और अब मजबूरन सरकार के कानूनों के खिलाफ उनको सड़कों पर आना पड़ रहा है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ये हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जिनसे जानते हैं कि आज का जो बंद है कितना कुछ सफल रहा और किसानों के समर्थन में ये खड़े हैं या नहीं खड़े। सर, सबसे पहले आपका नाम? मैं सुरेश गुप्ता, मेंबर AICC। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान आज किसानों के साथ खड़ा है, पूरा करनाल किसानों के साथ खड़ा है, पूरा हरियाणा किसानों के साथ खड़ा है, और किसानों के जो ये 3 कानून बने हैं, भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनको वापस लें। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो इन कानूनों का विरोध करते थे, तो आज वो समर्थन में कैसे हैं? और किसानों से बातचीत करें और इसको वापस लें और पूरे भारत के किसानों को MSP दें। सर, 5 दौर की बातचीत हो चुकी है अब किसानों को और सरकार के बीच में, कई कई घंटे तक वार्ता चली, लेकिन बावजूद इसके कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, कोई भी नतीजा नहीं निकला। आखिरकार सर्द भरी रातों में किसानों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, UP से हैं, हर तरफ से देश भर के किसान वहाँ पर एकत्रित हैं, ऐसा क्या कारण होगा कि ये जो नतीजे, जो उनकी बातचीत है, वो उनका कोई नतीजा नहीं निकल रहा? ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिद है, इस वजह से ही वो किसी की बात नहीं मान रहे, और वो तानाशाही पूर्वक रवैया है, नहीं तो किसानों की बात माने, उनकी सुने, उनसे समझौता। धन्यवाद सर। सुखराम जी, आप क्या कहना चाहेंगे संघर्ष के बारे में? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम सबको मिलजुल के पूरा संघर्ष, हम साथ हैं, अपने व्यापारी किसानों के साथ हम बिल्कुल साथ चल रहे हैं, और हमारा यही विचार है कि हम सबको एकजुट होके। आज के बंद को आप कितना सफल मानते हैं? मैं तो 100% सफल मानता हूँ। देखिए, ये थे हमारे साथ सुरेश गुप्ता जी, जिन्होंने जानकारी दी। एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं, कंबोज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे सारे आंदोलन के बारे में, जो पिछले 10 से 12 दिनों से लगातार चलता रहा और दिन ब दिन किसको समर्थन मिलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सरकार ने जो 3 बिल बनाए हैं, ये किससे पूछ के बनाए हैं? क्या किसी सरकारी यूनियन से, किसी सरकारी संघ से, किसी किसान से इन्होंने एक बार भी पूछा कि आप ये किससे सलाह करके बनाया, कि आपके पक्ष में है या नहीं है? आप सब ने देखा, आज का बंद पूर्ण रूप से सफल है, सारी मार्केट बंद है, सब लोग किसानों के साथ। हम लोग धन्यवाद कंबोज साहब, आप मेरे साथ देख सकते हैं किस तरह से अब ये आंदोलन जो है विशाल रूप ले चुका है। भूपेंद्र सिंह लाडी, भूपेंद्र किसान नेता भूपेंद्र सिंह लाडी साहब, आपका क्या कहना है किसानों के आंदोलन के बारे में? सरकार क्या तानाशाही रवैया अपना रही है? जेड़ा साडा बादशाह मोदी, ओनू जनता ने बनाया, बड़िया ज्यादा वोटा दे के बनाया, लेकिन वह हंकारी नेता हो गया। और सानू महसूस करांदा है कि तुसी आजाद नहीं, तुसी गुलाम हो, और सानू गल गल ते महसूस करांदा है। इस करके उन्हें काले कानून जेड़ा पहला जनादेश नाल ते हुण उन्हें कानून बना दिता, उन्हें वापस लेने पैणगे, क्योंकि जदों सानू चलना ही नहीं उहदा कानून, सानू बुलडोजर नहीं चाहिए, सानू ट्रैक्टर ट्राली चाहिए, जिद नाल सानू कार चाहिए, वो आता भी तुम्हें वड्डी चीज़ देंगे, असी वड्डी चीज़ नहीं लेना चाहते, ठीक है, पर सानू ओदी कोई सुविधा नहीं चाहिए, जो सुविधा चल रही है सानू दे दो। ओ भाषण, अगर आज के आंदोलन के बाद भी करना सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी, तो उसके बाद आपकी आगामी रणनीति क्या होगी? ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया, ये आंदोलन इस तो भी उग्र रूप धारण करेगा, असी घर नहीं बैठांगे जिन्ना चिर कानून वापस नहीं लेंदा। साडा व्यापारी भरावां ने भरपूर समर्थन दिता, असी उन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद आ कि उन्हां साडा साथ दिता, करनाल पूर्ण रूप नाल बंद दे। उस तो बाद कल फिर मीटिंग करांगे, जिवें साडे वड्डे लीडर ने जो दिल्ली बैठे ने, जो उन्हां दा हुक्म होएगा उसे तरह करांगे। आज के बंद के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत वधिया, बड़ा सहयोग दिता है व्यापारी भरावां ने, दुकानदारां ने, चाहे कोई भी दुकान है,
पेट्रोल पंप भी बंद ने, सब कुछ बंद है। असं उन्होंने तय दिलो धन्यवाद करते हैं। आप इतों बस स्टैंड वाल जाओगे कुंजपुरा रोड, उस तो बाद असी साढ़े दो ग्रुप होर ने इकट्ठे होके उस तो बाद जी टी रोड जाम करांगे। देखिए ये थे हमारे साथ एक और, ये थे हमारे साथ एक और किसान नेता भूपेंद्र सिंह लाठी, जिन्होंने कहा कि जो इनका बादशाह है मोदी वो ताना चाहिए, इनको वो सुविधाएं नहीं चाहिए जो सरकार इनको देना चाहती है। इनके पास जो सुविधाएं हैं वो उसी में अपना काम चलाने को तैयार है। बंद के बारे में इन्होंने कहा कि वह तहे दिल से करनाल के सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस बंद को सफल बनाने में उनका समर्थन दिया। आप इसके अलावा उन्होंने यह भी जानकारी दी कि यह आंदोलन अगर इसके आज के बंद के बाद भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती और सरकार अपने कानूनों को वापस नहीं लेती तो यह आंदोलन उग्र रूप धारण कर सकता है। अगर कुछ भी अप्रिय होता है तो इसकी सारी घटना प्रशासन की होगी। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.